कि मत पूछ मेरी मेहनत की दास्ता, पसीने से मैदान को सींचा है मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हो स्पोर्ट्स लाइव और दा चर्चा। मैं हूं आपके साथ कुलदीप के। दोस्तों, हरियाणा में अगर सर्कल कबड्डी की बात करें और सर्कल कबड्डी में रेडरों की बात करें तो प्रदीप जुरासी स्टार माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं हरियाणा के स्टार रेडर, हरियाणा की आन बान शान प्रदीप जुरासी पहलवान जी। तो सबसे पहले पहलवान जी, आपका स्वागत है हमारे दोनों चैनल में। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सारे भैया ने, इतने कबड्डी प्रेमी हैं, दर्शक हैं। प्रदीप जी, कबड्डी की बात करें, कबड्डी में भी आपका नाम प्रदीप जुरासी है या फिर घर में कुछ और बोला जाता है? ना भाई, प्रदीप पे है अपना नाम। तो कुछ निकनेम हो, कोई निकनेम बोला ना? ना, प्रदीप पे सुने भाई, प्रदीप पे का। अच्छा, प्रदीप जी, प्रदीप जुरासी का लगे बालक। पहलवान जी, घर में परिवार में कौन कौन है? घर में पापा है जी, मम्मी है, बड़ा भाई है, भाभी है जी, मैं हूँ जी। पर पहलवान जी, नाम और बता दें एक बार, पिताजी के माता जी। पिताजी का नाम है जोगिंदर सिंह जी, जुरासी रोड पर प्रॉपर्टी डीलर का काम है भाई, पब फादर का। माँ है हेल्थ डिपार्टमेंट में है जी, गांव में। बड़ा भाई है, पहले दिल्ली पुलिस में था, संदीप नाम है जी। नौकरी दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ गई, बिल्डर का काम कर रहे है जी। बालाजी बिल्डर एंड आर्किटेक्ट के नाम तक फर्म है भाई जी। भाई मैं अपना फ्री छोड़ रखे हूँ घर, क्या ना आपके ऊपर खेल खेलने का काम, खेलने खेलने का काम भाई, कोई दाब नहीं भाई जी। पहलवान जी, हाइट वेट और बता दे एक बार दर्शकों को। भाई वेट तो 100 किलो है, हाइट 5'8" की है। पहलवान जी, शुरुआत कब करी कबड्डी की? शुरुआत भाई 2008 में खाड़े में छोड़ था घर, क्या ना जी। तो फिर उसके मेरे ख्याल से 1.5-2 साल बाद गांव में मैच हो रहे थे कबड्डी के, तो गांव में लंबी कबड्डी के मैच थे। मैं देख लग रहा था, एक कृष्ण पहलवान है केसे का भाई जी, तो उसने वो मिला मेरे तय नुबला भाई कुश्ती में केद रहा है नुबला, कबड्डी में देख कितने मतलब दर्शक हैं, गांव राम में मतलब इज्जत भी है भाई, सब देखे हैं लोग। तो उड़ता उसने मतलब कबड्डी के बारे में मोटिवेट कर, तू कबड्डी खेल जी। फिर मैंने भी देखा भाई इतने दर्शक है, मखा भाई कबड्डी खेलनी चाहिए यार, गांव की भी टीम थी जब मारी जी, बढ़िया खेल दे। उस टाइम तो, पहलवान जी कबड्डी गांव की टीम में कौन कौन था उस टाइम पे? जब मैं खेलने लग गया, एक तो अंकित जुरासी रेडर था जी, यो इसने हरियाणा पंजाब का मैच था याडा उगरा खेड़ी, तो पहले टूर्नामेंट हम देखने गए थे जब हरियाणा पंजाब का मैच खेला था भाई ने जी। तो वो देख के भी हम खेल लगे थे जब तक स्टार्टिंग करी थी। फिर जुगुर काऊ था, एक कालू कह दे, काऊ कह दिए उसने, रेडर वो था। और ये कैचर थे हमारा कुलदीप पहलवान नकली जी, एक संदीप है भाई जी, एक ये, और फिर मनीष था एक फौज में लग गया जी। तो एक दो भाई और थे और उन्नक था एक, छोटी कबड्डी लग गई खेलने भी जी। तो ठीक टीम थी पहले हमारी, युद्धवीर था एक पहलवान जी। पहलवान हाँ जी, पहलवान जी पढ़ाई कितने करी है? पढ़ाई भाई बीए कर रखी है जी, तो एमए में एडमिशन ले रखे है। स्कूल टाइम में पहलवान जी कोई सा कुछ याद हो, कोई सब्जेक्ट सा जो घना बढ़िया लगता हो? भाई स्कूल टाइम में भाई मैथ, मैथ पे तो जो ठीक था अपना। अच्छा, आठवीं आठवीं में मेरे ख्याल से 72% नंबर थे ब्रेनी बीएससी थे, और मेरे ख्याल से दसवीं में 80% थे। अच्छा, कितने थे? हाँ, तो मैथ में मेरे दोनों 1200 नंबर थे मैथ में, पूरे पूरे थे। मास्टर में कितने पिटाई पिटी भी खाई हो कदे कुछ याद हो? मास्टर भाई, मास्टर तो पीटिया तो करे भाई, काम ना करे तो मारेंगे।
सुरेंद्र मास्टर था एक, बनिया कह दे दे उसने भाई वो तुम्हारा करता हाँ बाकी घना बढ़िया मास्टर था भाई वो, हम नहीं बाद में मेरा लग गया लकड़े पाचा है ठीक मारा करता वो, अरे घना बढ़िया मास्टर है, इज्जत करे हम मास्टर जी की, कहीं ना कहीं वो चीज काम आवा है आज भी, काम आवा भाई जी। हाँ। जी, फिल्म फिल्म भी देख ले करो, देख ले हैं भाई अपना टाइम पास अब ठाली में कह दी अपना देख भी ले, कोई फिल्म है मन पसंद फिल्म सी कोई बस सारी देख ले भाई जो सी सारी बढ़िया ही लागे बना देख ले, हॉलीवुड की भी देख ले हैं। अच्छा अच्छा ट्रॉय फिल्म देखी थी दो दिन पहले आएगी, बढ़िया फिल्म थी हॉलीवुड की। पहलवान जी फिल्म देखो तो कोई एक्टर भी होगा जो पसंदीदा होगा? एक्टर भाई ठीक के सारे अपना ठीक से एक्टर ना जो सब जो सी फिल्म अपना उसमें वो एक्टर बढ़िया है ना, फिर भी कोई एक एक्टर हो भाई यो मैंने तो यो एक्टर बहुत पसंद है एक्टर भाई एक अपना हरियाणा का आ रहा है यो रणदीप हुड्डा अपना, इसकी फिल्म लाल रंग देखी थी भाई, देखी होगी तुमने? हाँ। एक नंबर की बढ़िया एक्टिंग अपना हरियाणा का गया है बॉलीवुड में, एक नंबर का भाई अपना हम तो यो पसंद है भाई सही अपना। चलो जी कबड्डी की बात पर जाते हैं, कबड्डी में आपने जब भी कोई आदमी शुरुआत करता है या किसी भी चीज की शुरुआत करता है बहुत सारी परेशानी आती है, तो आपकी जिंदगी में भी आई हो कोई सी परेशानी? भाई परेशानी तो आवे है सबकी में, पर जो स्ट्रगल करके मतलब जो रुकता नहीं ना उन्हें कामयाबी मिल जाए, बाकी आवे है अपना अपने में भी आई थी भाई। अच्छा अच्छा हाँ और हमने खेल लिया गया हम भी फिर भी जी। पहलवान जी जिस टाइम आप ग्राउंड के बाहर बैठ के खेल देखा करते कबड्डी देखा करते उस टाइम में कुछ याद भाई सबसे बढ़िया रेडर कौन सा लगा था आपने? भाई जब पता कर मैंने उगरा खेड़ी मैच देखे नहीं, पहली टूर्नामेंट थी वहाँ एक दो भाई और खेल जा रहे थे अपने, थोड़ा एक बिल्लो मुंड उस टाइम पे बढ़िया स्टार रेडर था भाई जी, उसके कोई कैच नहीं लगी थी और सारा एक एक कैच लग रही थी, बिल्लो मुंड घना बढ़िया रेडर लगा था हमने उस टाइम का। कैचर की बात करें पहलवान जी उस टाइम के, कैचर भाई कैचर अपना बिच्छू था फरमानिया, बिच्छू फरमानिया हाँ हमने पहले सुनिया भी था रवि भी है बढ़िया पंजाब में खेला है, विनय भी है, रिंकू है बढ़िया स्टार अपना खेला है। और कैचर की बात करें पहलवान जी, कैचर भाई अपना हरियाणा में जुगरे मनीष मनपरा है, बिल्ला है बिल्ला बलबेड़ा है अपना बढ़िया बढ़िया ऊपर दे अपना स्टार है भाई बढ़िया भाई जी बढ़िया प्लेयर है। पहलवान जी हरियाणा में खेल कमेटियां खेल आयोजित करवाती है, हाँ तो आपने कौन सी ऐसी खेल कमेटी लगा है जो कि ईमानदारी से खेल कराती है और मतलब ईमानदारी से मान सम्मान करती है? भाई कमेटी तो एक यह है यह इसकी अपना जो बाबा मैच करा कर ये कलोई मडाक में जो टूर्नामेंट हुआ है इसके बराबर कोई टूर्नामेंट नहीं है, हम तो इस तले तले मानना सारिया ने। अच्छा जी। जो यो मतलब जो उड़ा मैच हो जाए ना दन मतलब चांदने चांदने में कितने मैच नहीं होंगे होंगे, इबके ने जब पीछे खेल रहा था मैं बहू की टीम में था हमारे टाइम में जब आप टाइम होया जब लाइट बड़ी थी जी। फाइनल मैच था हमारा बलबेड़े खेल मैच चल रहा था तो उसमें तो मान ले मारे आगे मतलब लाइट बड़ी जब फाइनल मैच में कितनी कई जगह तड़के चार चार बजे भी फाइनल हुए हैं, तीन तीन बजे भी फाइनल हुए हैं, तो उस तड़ा तड़ा भाई मैं दोनों को जो बाबा जोर मैच करा हो ना निष्पक्ष मैच है और जो उसने कह दिया अपना एक के बाद पे अपना वाई अटल है उसकी तो नवे मैच कराने चाहिए सब ने भाई जोर वो करा हुआ महाराज। पहलवान जी जो राशि की टीम की बात करें गाँव के अंदर दो बेहतरीन रेडर है, हाँ बाहर से कैचर लेकर टीम बना सका है तो जो भी दोनों रेडर है गांव की टीम में क्यों नहीं खेल रहे भाई? शुरू में जब अंकित ताई बार ठीक होकर खेलने लग गया था जी हमने गांव की टीम भी भरी भाई, तो बीच में फिर एक रेडर था जो पर अपना भाई था दीपक जी वो बीच में एक अधिक रेड मार दिया था जो पर काओ भी खेला था जी, तो फिर वहां चले गए दोनों रेडर कैचर कैचर रह गए और कचरा में फिर भाई मारे बीच में एक रेडर को नहीं जो मैं बीच के गा दी रेड मार दे, तो लंबे मैच हो जाए दोस्त दोस्त के मैच भी तगड़ा मैच आ जाए जब उसमें
फिर रेडर चाहिए एक और जी। तो फिर कैचर भी मारे इसे हैं भाई कति छोड़ के जो पुराने थे बाल खड़े करने पड़े हैं हमने जी। कई बार छोटी कबड्डी वाले बाल का ना पकड़े हैं यो काम ही खुद की टीम होना मटे ही तो न मजा हम खेल लें तो जब तो चल जा काम जब प्लेयर अपना छोड़ छाड़ के सारे इवन माले सारे के सारे बाहर के लेने पड़े हैं। पहलवान जी इब कितनी तैयारी आपकी तैयारी गांव में कर रहे हैं भाई स्टेडियम है गांव में रेस रियाज कर ले हैं अपना सही चल रही है जिम जम कर ले हैं। पहलवान जी जिम की बताइए आपने जिम करो होगा कि कबड्डी भी खेलो ना खाली जिम तो करने भी नहीं चाहिए भाई अपना कबड्डी वाले दो अपना जो मैन द ग्राउंड तक जुड़े रहेगा तो अपना बढ़िया है वेट जिम तो अपना बॉडी बिल्डर वाला खेतर है भाई जी। ये तो बस बीच में कह दी भाई अगर बारिश बुरिश आ जा जब अपना ना ग्राउंड आला है तो भाई जब चले जा तो हफ्ते में ये किया दो बार करनी चाहिए जिम दो बस तीन बार कर ले बस इस तो बत्ती नहीं जी। तो पहलवान जी जो नया सीजन शुरू होने वाला है क्या उसमें प्रदीप दुरासी लोगों को दिखेगा भाई तैयारी कर रहे हैं भाई सीजन चालू होगा जब तो सीजन तो इब कोरोना ने थैम रखे है अरे के भी राइब आगे कितने दिन पाचा चालू होगा अरे ज्यादा चालू भाई अपना खेल लेंगे भाई। पहलवान जी पीछे ही पता चला था आपके गांव के एक खिलाड़ी है जिनको चोट लगी थी और गांव की पंचायत ने मिलकर उसका इलाज कराने के लिए बोला था और शायद कराया भी है तो आपको आप बताइए कि वो इलाज कहाँ तक पहुँचा है उसका ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ अभी तक। भाई मनीष नाम उसका तो लाला कहते हैं उसने छोटे कबड्डी खेल लिया करे गरीब घर का बालक है मेहनती बालक है भाई जी। उसके लिगामेंट टूट गया था खेल दिया ना तो फिर हमने स्टेडियम में अपना सलाम लाई भाई अपना गांव के जितने बालक है प्लेयर हैं उन इकट्ठे होगा इसकी भाई मदद करी जा हमने फिर एक भाई है एक साहिल है जो जुरासी कबड्डी ग्रुप का एडमिन है जी। पंडित जी उसने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया भाई दो चार भाई और हैं तो सारे के तो नाम ले नहीं सकता मतलब बोता ने सहयोग कराया उसके भाई के अपना ऑपरेशन हो लिया उसका धक्के भी कट लिए उस भाई के इशार ऑपरेशन होया उसका जी। तो भाई जिस जिसने मदद करी उसका धन्यवाद भाई जितनी हमने भाई बनी भाई हमने भी करी भाई और भाई आगे भी उस गरीब जो बालक है भाई मारे गांव का जो कबड्डी अपना गेम तो है भाई जुड़ रहा है या फिर आगे जुड़ेगा उसके खातिर हम तैयार हैं भाई जो मदद होगी मेरे दम। पहलवान जी आप देखते हो कहीं ना कहीं हरियाणा के बहुत सारे प्लेयर ना हरियाणा से बाहर पंजाब जाते हैं खेलने के लिए क्या कारण होता है कि ना यहाँ के खिलाड़ी वहाँ जावे। भाई हम तो कबड्डी है पंजाब की न मानना है पंजाब में पिछले साल खेला इसी पिछला सीजन में उड़े बेर ला गया भाई कबड्डी तो उड़े है यार तो मतलब कितना प्लेयर हो यार कोई फायदा नहीं हम तो मानते नहीं जो उड़ा खेल लगा हम तो उसने स्टार मानना है वहा उड़ेगी कबड्डी बहुत ऊपर तक है मतलब यार तो कोई एक मिंड काला काम है जी। जो उड़े खेल लगा तो बाहर खेल लगा इंटरनेशनल होगा जी। तो पहलवान जी आप भी बाहर गए खेलने पंजाब की तरफ या कहीं और इससे अलावा। पंजाब की टीम में खेला भाई मैं सराला रन हुआ अपनी फेडरेशन थी इसमें खेला था मैं इसमें अपना जो अपना पहलवान जी हैं पाला पहलवान है जी। उसके संपर्क में आया था भाई अपना बढ़िया पहलवान है उसकी टीम में मैं पक्का हूँ सराणा नवा में खेलूंगा। तो अभी मतलब वही खेल रहे हो उसकी टीम में खेल रहे हो। हाँ तो मैच बंद हो गया भाई जो अगला सीजन चालू होगा सराणा नवा में खेलूंगा भाई जी। इनाम की बात करें पहलवान जी के नाम जीते अब तक इनाम भाई शुरू में तो सोने की गुट्ठी जीती थी जी। उसमें खेल रहा था मैं सिरसल में अच्छा जी हाँ कैथल दौरे मैच थे मेरे ख्याल से कुरुड़ी इस गांव का नाम था कुरुड़ी कह दिया उसने कुरुड़ सोने की गुट्ठी जीती थी भाई फिर उसके बाद में भाई अपना घी के पिपे किधे 11,000 5,100 और भी जो करे किधे ट्रॉफी है किधे एक मोटरसाइकिल भी भाई जीती थी जी। दो जगह ज्वाइंट था मोटरसाइकिल में मैं। पहलवान जी पहले बेस्ट की बात करें तो पहले बेस्ट मैच कौन सा रहा आपका। भाई बेस्ट मैच तो 2016 में लीग हुई थी जी। यार डिकार्ड ले मैच था मैं जींद की टीम में था रोहतक के लिए मैच था जी। मैं जब इतना जोर ठीक खेलने जब ठीक ठाक था तो प्रेशर था बहुत ज्यादा जी। गुआंड की बात थी भाई अरे
दाब थी बहुत ज्यादा वा परफॉर्मेंस न लेके और टीम भी रोत तक की भाई तगड़ी थी उस टाइम पर कोई मैच नहीं हार ली थी। तो बजिंदर पहलवान था अपना यो गड़ी छाजू वाला उस टाइम पे पहलवान मल्या भाई उसने बताया भाई कैसे रेड मरानी है तने सर्कल हा बना के अपना चार भाई इनू रेड मारिए तेरे कैच नहीं लगती है भाई। मैंने उस जुगर पहलवान ने बताई थी बजिंदर ने नो मैंने रेड मारी मेरा कैच कौन लग गई और उस टाइम पर इनाम भी पहली बार मेरे पे बोट टकिया था। गांव वाले ने गुआंड वाले ने बहुत इज्जत करी थी मेरी तीन चार दो गी गए पिपे और भी कैश वार्ड बहुत आ गया था मेरे पास जी। तो वो मैच सबसे पहला था मतलब जो मैं बढ़िया खेला था बेस्ट मैच था। पहलवान जी बात करें पिछले सीजन की बात है आप कई टीमों में खेले हो सबसे ज्यादा कौन सी टीम में खेलने में मजा आया भाई? बोगी टीम में भी खेल रहा हूँ रायरकी में भी हाँ बोगी टीम में भाई दोनों में खुशी में खेल ले अपने दोनों घर की टीम दोनों मान ले दोनों में मजा आवा हम तो खेल दिया ना। और पहलवान जी दोनों टीम की बात करें कोई सा पहलवान याद हो जो मतलब मजेदार आदमी हो हमेशा मतलब राजी करता हो सबने कुछ सा कुछ याद हो कोई पहलवान सा भाई? इसमें यार मैं जो परवीन है अपना अमितू है जी अपना मजाक करया जा है जी और भाई उन्होंने उसमें है यो बहु वाले टीम में जी बंटी है प्रवेश है सोनू है अपना ये भाई है अपना और दो प्लेयर और हैं मनोरंजन। हाँ तो पहलवान जी कितने दिन खेलना है कबड्डी भाई? पंजाब में जो पिछला सीजन खेल लिया जी। तो उसमें नू लग गया भाई कबड्डी तो यार पंजाब में है जी। मैंने मखा पंजाब में खेलना चाहिए अपना हरियाणा में खेल लेगा तो मैं कोई वो इतना वो को नहीं तो कहना भाई पंजाब ते खेल लेंगे अगर जो उड़ा चालू हो गया ना तो अकेडमी आगे मैच खेल लेंगे उड़ा तैयारी करके बढ़िया। तो प्रदीप जी क्या प्रदीप जुरासी अब की बार जुरासी टीम में खेल लेंगे या बाहर की किसी टीम में खेल लेंगे भाई? गांव खेतर तो हम तैयारी रहे हैं जी। गांव के बालक जोड़ पे कहोगे हम तो तैयार हैं गांव में खेलने दी गांव में बालक छोटी कभी लंबी कबड्डी खेल देखो नहीं भाई मैं पहले ही बताऊंगा मैं थोड़ी बार पहले छोड़ छाड़ के अगर जो भाई अटके अगर जो हमारी टीम बने है गांव की तो भाई महाराज जी हूँ मैं तो खेलन है अगर तो मैं तो शहर डालते बना मदद है भाई गांव की खेल जाऊँ मैं तो जी। पहलवान जी आपने बताया कि गांव की टीम बने है तो खेलने तैयार हूँ इसकी पहल कितना होगी अंकित जुरासी प्रदीप जुरासी तो होगी या फिर जो नए खिलाड़ी हैं उन तो होगी भाई? नए खिलाड़ी हैं जो ये अपना तैयारी करेंगे कुछ करने लगेंगे जब तो हम गेल हैं जी। भाई मैं थोड़ी बार पहले कहूंगा भाई पकड़ पकड़ के खड़े करने पड़े हैं तो फिर के फायदा टीम भरेगा नू बता जब बाहर गए प्लेयर आगे भरोसा रहे मैच खेल लिया के फायदा एक दो गांव का भी होना चाहिए सुनया कुलदीप पहलवान हमारा जो नकली जो भाई बैद है बढ़िया अपना हड्डी जोड़ा का मतलब जितने भी जोड़ जाड़ हैं बढ़िया बैद है भाई अपना दूर दूर ताम हो दो रही मरीज जी। वो तैयारी कर रहा है के ना पूरी भाई जी। पहले तो नुगा इतनी तैयारी कर रखी है पहले भी नहीं करी उसने जी। तो भाई अपना वो खेल लगा था हम तैयार हैं भाई खेलने। पहलवान जी हरियाणा और पंजाब की कमेटी में क्या फर्क लगता आपको भाई? हरियाणा पंजाब की कमेटी में इतना फर्क है यारा तो मैच खेल लेंगे हफ्ते में दो ही टूर्नामेंट ऊड़ा चाहे रोज की चाहे सात के सात दिन टूर्नामेंट खेल ले इतना फर्क है आठ दो टीम आवे हैं चार चार बजे पहुँच हैं शाम न जाकर टाई गिरे हैं और तड़के लग मैच चल रहे हैं फिर दो दो तीन तीन दिन चला दे भाई मैच जी। कई कमेटी तो इसी हैं अब तीन चार दिन तक पहले तो ना मेन लेंदी खत्म करने के जी। तो ये बता फिर टूर्नामेंट मतलब बालक रात ने खेल रहा है फिर सोवा कुटबे सारे रात तो मैच चलावेंगे दिन में फिर अपना सोनों का काम रंधा को नहीं जी। ये पंजाब में है बारह बजे तो टाई पड़ ले हैं मैच चालू हो जाए शाम न आठ बजे लग मैच खत्म हो ले हैं और हालत मैच चाहे कितने हो कितनी टीम हो जी। रात ने अपना घर पहुँच ले हैं नौ दस बजे लग आराम तो जाकर लौट लिया सो जाए ये जो रात ने सो जाएगा तो अगले दिन फिर बेशक खिला लिया उसने इतना फर्क है भाई अपना हम दोनों को है अपने हरियाणा वाला नबिया मुहिम चलानी चाहिए बारह बजे मैच चालू कर दियो जून सी टीम ना आवे बेशक उसने अपना घर आए घल दो भाई जी। पर मैच चालू कर दियो बारह बजे और सांझ लगा आठ बजे लग मैच खत्म करने चाहिए जी। इसके अलावा पहलवान जी कोई कमेटी है तो कुछ बात कहनी हो मैच को लेकर
ताकि जो कि हरियाणा की कमेटी है वे भी पंजाब की तरफ पर खेल करावे। भाई नुवे का जितनी जो करिए पंजाब की टीम पंजाब की कमेटी है जी, ये इतनी अलग थोड़ा हमारे दें है, बस उनने अपना दो चार रुला पवा डिग है, एक तो उनने 12 बजे टाई करनी है करनी जी, एक फिर उनने 8 बजे लगन मटवाने, उनने भाई भतीजा वाद तक कोई मतलब नहीं है। भाई या टीम हमारे गुआंढ की है या हमारे गोत की है, इन भाई हमारे प्यारे मतलब मित्र की टीम है, उन तक कोई मतलब नहीं है। यो भाई भतीजा वाद खत्म हो जाए तो या कबड्डी बच जाएगी, इन मतलब कबड्डी जो इतनी नीचा जाल लग रही है इसने ठाण खतर ये प्रयास करने चाहिए पंजाब की कमेटियां देख कुछ सीख लेनी चाहिए। हर जितनी अपनी ये नई टीम है इन्हें किराया भाड़ा दो, इन्हें मान सम्मान दो, इन्हें अपना नू सोच के भाई नई टीम है कोई नहीं, अपना उनकी बढ़वा दे हैं मतलब टाइट सिस्टम कर दे नहीं, अपना वह बेचारे अपना एक एक दो दो मैच खेल रहे हैं अपना चले जाए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो प्रदीप भाई ज़्यादा लंबी बात न करते हुए सिर्फ जो कि नए खिलाड़ी है जो बढ़ते खिलाड़ी उनको क्या संदेश देना चाहोगे? भाई मेरा नए खिलाड़ी का ये संदेश है भाई मेहनत पे ध्यान दो, मेहनत के आगे कुछ नहीं है, और किते जो कुछ कहे भाई इसमें सामान में उधर है सप्लीमेंट में और किते ध्यान नहीं है, अपना मेहनत है ना जो उस पर ध्यान दो, अपना गीत दूध खाओ जी, और किते ध्यान दोगे तो गलत है भाई। जिन्हें लंबा खेलना है लंबा चलना है जी, अपना नशे पते ने छोड़ गए अपनी मेहनत करो और कबड्डी खेलो भाई जी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रदीप जुरासी है, स्टार रेडर है उनके पिताजी। अंकल जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम जी। अंकल जी प्रदीप भाई की बात करें, प्रदीप बचपन में शरारती था थोड़ा बहुत? नहीं ये ऐसा शरारती तो नहीं था यूँ जी, बाकी खेल में इसकी रुचि 8वीं के बाद हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर भी हमने खाड़े में छोड़ दिया था, वहाँ भी बढ़िया खेला, फिर दिल्ली भी छोड़ दिया, दिल्ली भी बढ़िया खेला, फिर इसका इंटरेस्ट ज़्यादातर गांव में आ था तो यू इसका कबड्डी में ध्यान हो गया, इसमें ध्यान कबड्डी में हो गया। अंकल जी पढ़ाई में कितना का इंटरेस्ट था भाई का? पढ़ाई में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, बल्कि खाड़े में होगा हमारी बुआ का लड़का था कोच, उसने ये भी कही अगर इतना होशियार है तुम इसमें क्यों डालो हो? अच्छा, मगर भाई हम तो पहले महीने में डालेंगे तो डालेंगे, इसका दादा नहीं मान्या, मगर डाल दिया तो भाई डाल दिया, कोई ऐसी बात नहीं। तो हमने फिर यू पहलवानी बढ़िया करी ने, तो गांव में आकर ये खेल ख्याल कबड्डी जो थी इन्हों में इसका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, तो इसमें चल पड़ा, तो चल इसमें चल पड़ा। तो अंकल जी पहली बार प्रदीप जब इनाम घरा लेकर आया खेल गए जीत गए तो किसा लग गया था उस टाइम? बहुत बढ़िया लग गया था, बहुत अच्छा लग गया था, हमने के हमारी तो प्रशंसा गांव में भी गुआंडा में भी सारे को बढ़िया होती, हमें अच्छा लगा था भाई उसका लड़का जो गांव का नाम रोशन होता, बहुत बढ़िया लगा था। तो अंकल जी कहीं ना कहीं ये तो बात मानने हैं कि ना कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसके नाम तय गांव का नाम जुड़ा है, ना कि कोई ऐसा गेम लगा लो किसी गेम में भी किसी खिलाड़ी के नाम गेल गांव का नाम नहीं जुड़ा, जो करीब कबड्डी है प्रदीप जुरासी नाम जुड़ा है। तो अंकल जी इसके अलावा जब भी कोई बड़ा इनाम लेकर आया हो घर में क्या माहौल रहा, गांव में कितनी को मतलब इज्जत मिली या फिर गांव की तरफ से कितना हौसला मिला? गांव में इज्जत तो इसको तो मिली, गांव में इज्जत हमारे को भी इतनी मिली है बहुत बहुत ज़्यादा, रात को ही फोन आऊँ दे भाई तेरा लड़का इतनी वो जीत लिया, बाइक जीत ली भाई, गायें जीत ली भाई, LCD वगैरह गुट्ठी वगैरह तो काफ़ी जीत लिया, बहुत सामान जीत लिया, हमें गांव वाले जब कहते हैं भाई हमारा सिर तो उच्चा हो ही था, बहुत अच्छी बात है, या तो बहुत बढ़िया बात है, हम तो यही कहो बस सारे बच्चों ने जो है स्पोर्ट में चलना भी चाहिए और खेलना चाहिए, उस तरह नशा पता इस तरह भी दूर हो जाए बच्चे और अपना काम भी सही स्पोर्ट में पा जा। अंकल जी जब भी कोई बालक बड़ा हो जाए माँ बाप सोचे कर अभी छोरे नहीं ब्याह करना है छोरे का, चिंता हुआ है माँ बाप ने, तो प्रदीप की चिंता हो रही है कुछ? बिल्कुल ऐसी चिंता मेरे को नहीं है कोई भी, ये अभी स्पोर्ट में जो चल रहा तो चलन दो, हमें कोई इतराज नहीं, जब भी रिश्ते भी बतेरे आओ हैं ऐसी कोई बात नहीं, रिश्ते नहीं आते, पर जब जब इसका ये कह देगा हम पर ठीक सही तब हम इसका रिश्ता भी ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, परमात्मा वो भी काम करेगा इसका। सही बात है। प्रदीप भाई गांव राम की तरफ से कितना सपोर्ट मिला है? भाई गांव वाले ने बहुत साथ दिया भाई, जब शुरू में खेलने खेलने लग गए जब तलेगा भाई, बहुत से अपने सरपंच है जो बिंदा सरपंच है
और भी कई भाई हैं, उनने बहुत साथ दिया भाई, और मैं उनका दल तो धन्यवाद करूँ भाई, मेरे सारे गाँव वाला का जो इनने और गुआ डाले हैं जितने मेरे, बहुत सपोर्ट कराया भाई उनने। बड़ा भाई संदीप है, उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है, इसकी जल में बहुत आगे बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा, उसकी बहुत बढ़िया रुचि है, मतलब बहुत मदद करा भाई, बहुत ज़्यादा मदद करा, अच्छे भी ज़्यादा मदद करा, आप छोड़ देगा काम ना, मतलब इसका काम नहीं रुकने देगा, वो इतनी बढ़िया मदद करता है। धन्यवाद प्रदीप भाई, धन्यवाद अंकल जी। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा सर्कल कबड्डी के स्टार रेडर प्रदीप जुरासी जी। तो ऐसे ही हम खिलाड़ियों से मिलते रहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे, तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर जरूर कर दियो।